अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद नुमान। तो आज मैं आप अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त कैरेटिन रिबॉन्डिंग किट लेकर आया हूँ, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास रिमोट के सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, कलर रखे हुए हैं, इसके डिवेलपर, शैम्पू वगैरह, मार्क्स, इस तरह की मेरी कम्प्लीटली वीडियो है। लेकिन मैं अभी आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जिन लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हुए होते हैं, जिन्होंने कैरेटिन करवा करवा के अपने जो बाल होते हैं पूरे ख़राब किए हुए होते हैं, तो मैं आज आप लोगों को एक रिमोट की कैरेटिन बेलो आउट की एक रिबॉन्डिंग किट दिखाने वाला हूँ, जिसका रिज़ल्ट बहुत 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 ज़बरदस्त है। जो भी लड़कियाँ कैरेटिन वगैरह करवा चुकी हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, तो आपका भाई आप लोग को ये रेफ़र करेगा। अच्छा, इसका कुछ इस तरह से बॉक्स है, देखें आप। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बॉक्स देख लें, इसका ब्लैक कलर का इसका रिमोट का बॉक्स है, कैरेटिन बेलो आउट के नाम से है। ठीक है, बैग इसकी आप लोग देख सकते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, रिमोट कैरेटिन नंबर ए और नंबर बी। अब जो है मैं आप लोग को ओपन करके दिखाने वाला हूँ। ये इसका टू बी ऑनेस्ट रिज़ल्ट बहुत 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 आउट क्लास है। मैं जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं उन लोग को यही चीज़ रेफ़र करूँगा। जिस तरह मैं आप लोग को प्रोसेस बताऊँ, आपने बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है, ज़रा सा भी आप लोग ड्रॉप करेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने दोनों चीज़ें बाहर निकाल ली। ठीक है, अच्छा ये आप लोग देख सकते हैं, इस पर ए और बी लिखा हुआ है, जैसा कि बॉक्स पर भी मैंशन था, ए और बी। अच्छा, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको जो है वो यूज़ कैसे करना है। अच्छा, आप लोगों ने करना कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आप लोगों ने जो है अपने बालों को जो है वो वॉश करना है बहुत अच्छे से। आप लोग ये घर में भी कर सकती हैं, पर शर्त ये कि दो तीन लड़कियां हों जो आप लोग को ये कर सकें आप लोग के बालों में। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि अपने बालों को अच्छे से किसी भी शैम्पू से वॉश कर लेना है। ठीक है, बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे होते हैं, ये उसके लिए बता रहा हूँ, आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर वन पर जो है इसका कैरेटिन शैम्पू है। ठीक है, ये आप लोग देख सकती हैं, ये कैरेटिन शैम्पू है। अच्छा, आप लोगों ने करना ये है कि नंबर वन पे आपने कैरेटिन ए वाला शैम्पू लेना है, उसके बाद जो है आपने अपने बालों को वॉश करना है। आपने पहले अच्छे से अपने बालों को वॉश करना है, उसके बाद एक बार आपने वॉश कर लिया, उसके बाद अपने बालों को अच्छे से साफ़ कर दें। ये जो शैम्पू है इसको अच्छे से वॉश कर लें आप, नंबर वन ये हो गया। फिर नंबर टू में अगेन आपने यही वाला शैम्पू दोबारा यूज़ करना है। अच्छा, ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, ये दो टाइम यूज़ होगा, सिंगल टाइम यूज़ नहीं होगा। पहले आपने अपने बालों को इसी शैम्पू से वॉश करना है, फिर सेकंड टाइम भी इसी से ही वॉश करना है, फिर उसके बाद आपने अपने बालों को थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। एग्री हो गए? ठीक है, देन उसके बाद अब आते हैं हम इसके बी ऑप्शन पर। अच्छा, बी ऑप्शन ये है कि बी में आपने क्या करना है, एक छोटा सा बाउल ले लेना है। ठीक है, बाउल में आप लोगों ने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, अब आपके बाल इतने हैं या इतने हैं या कमर तक हैं, जितने भी आपके बाल हैं उस हिसाब से आपने इसकी क्वांटिटी ले लेनी है। उसको अच्छे से आप लोगों ने किसी बाउल में ब्लीच ब्रश ले लिएगा, उससे आप लोग अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो है जो कोशिश करिएगा दो तीन लड़कियाँ आप लोग के पीछे खड़ी हुई हों। तो तरीक़ेकार कुछ इस तरह के, जैसे आप लोग कलर अप्लाई करती हैं ना, ठीक है, छोटी छोटी लेयर बनाती हैं, कलर की लेयर बनाती है, तो आपने थोड़े थोड़े से बालों को पकड़ के लेयर बना लेनी है। अच्छा, रूट से थोड़ा सा आगे से, मतलब बिल्कुल रूट से, आपने इसको रूट्स पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, ये बालों के लिए बहुत, आपके रूट्स के लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने करना है तो रूट्स पर ज़रा सा भी टच ना हो, रूट से थोड़ा सा ऊपर का आप लोग गैप भी ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने इसकी लेयर बना लेनी है, लेयर बनाने के बाद जो है आपने इसको अप्लाई करना है। थोड़े से बाल लिए, उसको पूरे बालों पर अप्लाई किया, फिर अप्लाई किया, फिर अप्लाई किया, इस तरह करते 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 आपने सारे बाल ऊपर फोल्ड करने हैं। थोड़े थोड़े से बाल अप्लाई करते रहें और बालों को नीचे जो है वो ड्रॉप करती रहें, करती रहें, करती रहें, करती रहें। अच्छा, इसका जो प्रोसेस है, आपने तकरीबन इसको अच्छे से अपने बालों में लगा के तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट तक इसको छोड़ देना अपने बालों में। ठीक हो गया, नंबर बी की बात करो, नंबर ए पे तो शैम्पू था इसका। ठीक है, तो नंबर बी आपने लगाने के बाद अपने बालों में बिल्कुल छोड़ देना, आधे घंटे 45 मिनट के बाद आपने इसको वॉश करना है। अच्छा, वॉश जो करना है तो आप ये शैम्पू भी इसका यूज़ कर सकती हैं, और इसी का एक मास्क आता है, उसका रिव्यू मैं बाद में दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग मास्क भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, मेन चीज़ अप्लाई तो आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो अपने बालों पर जो है ड्राई करना है। ड्राई कुछ इस तरह से करना है कि आपने अपने बालों पर अच्छे से ड्राई करना, और रूलर कॉम लेना है, रूलर से आप लोगों ने स्ट्रेट करते करते इसको ड्राई करना है। अच्छे से बाल आपके ड्राई हो गए, ड्राई होने के बाद जितना ड्राई अच्छे से करेंगे उतने आपके बाल अच्छे होंगे। अच्छा, ड्राई होने के बाद कोशिश ये करिएगा कि आपके पास जो ड्राई, वो ड्राई के बाद स्ट्रेटनर आपने अपने बालों में लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि उसके बगैर तो ये कि इम्पॉसिबल है। देन उसके बाद आपने अपने बालों में स्ट्रेटनर यूज़ करना है। स्ट्रेटनर भी ऐसे यूज़ करिएगा जैसे आप लोगों ने इसको अप्लाई किया था, बारीक से लेयर ले लेके। इस तरह करके आपके बाल बिल्कुल इंशाल्लाह ताला वन टाइम में ही स्ट्रेट हो जाएंगे।
ठीक है। अच्छा सेकंड इस टाइम मैं आप लोग को बता दूं, इसकी जो केयर है ना तकरीबन तकरीबन 3 महीने तक, यानी कि 72 दिन, 3 महीने तक जो है, ओ सॉरी 3 दिन तक, 3 महीने बोल रहा हूँ सॉरी, 3 दिन तक आपने इसकी जो केयर है वो ये है कि 3 दिन आपने अपने बालों को ना फोल्ड करना है, ना ऊपर फोल्ड करना है, ना कानों के पीछे करना है, आपने अपने जो बाल हैं बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। अच्छा लड़कियाँ क्या करती हैं, रिबॉन्डिंग करवाती हैं, अगले दिन ही जो है बालों को फोल्ड कर देती है, और फोल्ड नहीं करना आप लोगों ने अपने 3 दिन यानी कि 72 घंटे आपने अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अच्छा ये इंशाल्लाह आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। बाकी इसका शैम्पू आता है, कंडीशनर आता है, मास्क आता है, वो मैं आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बना के दिखाऊंगा, वन बाय वन रिमोट के जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन ये स्टेप वाइज मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जैसी बात है वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो बस ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अच्छा प्रेस करने से ये होगा कि मेरी तमाम वीडियो मेकअप से रिलेटेड जो भी मैं अपलोड करूँगा आप लोग को इजीली मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।